एक मर्तबा मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम दुआ मांग रहे थे। आपके गुलाम हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अनहु आपके करीब आ गए। उन्होंने सुना कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ये दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे मेरे मोहब्बत करने वालों से जल्दी मिला दे। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ने दुआ मांग ली तो हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अनहु करीब आकर एहतरामन अर्ज करते हैं कि ये जो दुआ आप मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे मेरे मोहब्बत करने वालों से जल्द मिला दे, तो आपका ये दुआ मांगने का क्या मकसद है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सौबान, तुम्हारे दिलों में भी मेरी बड़ी मोहब्बत है, मगर तुम तो जिब्राइल को आते देखते हो, कुरान उतरते देखते हो, मेरे चेहरे का दीदार भी करते हो, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को आंखों से देखते हो, तुम्हारी मोहब्बत भी बड़ी कीमती है, मगर मेरी इस उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा जब मुझे इस दुनिया से पर्दा किए सैकड़ों साल गुजर जाएंगे, फिर वो लोग होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, वो अपने उल्मा से मेरे हुस्न जमाल की बातें सुनेंगे तो उनके दिलों में मेरी ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो मेरी मोहब्बत की वजह से तड़पा करेंगे, वो हर हर काम मेरे तौर तरीके के मुताबिक किया करेंगे और वो मेरी मुलाकात के लिए उदास हुआ करेंगे। ऐ सौबान, उनके दिल में मेरी इतनी मोहब्बत होगी कि अगर मुमकिन होता कि वो अपनी औलाद बेचकर मेरा दीदार कर सकते तो वो अपनी औलाद बेचने को भी तैयार हो जाते। मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूँ कि ऐ अल्लाह ताला मुझे उन मोहब्बत करने वालों से जल्दी मिला देना। इसलिए आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की एक एक सुन्नत का आशिक होगा, जो आपके गम को अपना गम बना लेगा और जो आपके पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कमर बस्ता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम की दुआएं उसके साथ होंगी और कयामत के दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझ गुनहगारों सयाहकार समेत हम तमाम मुसलमाना ने आलिम के दिलों को हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की खालिस मोहब्बत व इश्क से सैर कर दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की हर एक सुन्नत को दिलो जान से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।